की ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। तेरा क्या होगा रे बॉन्डिता? एक तरफ मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या को ठीक करने के लिए ये ताबीज बांध दिया काका ससुर जी ने, और दूसरी तरफ चुनौती स्वीकार कर ली है पति बाबू ने। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। दितं, दितं, दितं। पर जब सामने मिठाई हो तो सब भूल नहीं जाना चाहिए बॉन्डिता, सिर्फ मिठाइयों पे ही ध्यान देना चाहिए। मिठाइयाँ गई एक बार मुँह में तो सब परेशानी भूल नहीं जाऊंगी। ये मिठाई कहाँ से आई? ओहो, काका ससुर जी को अभी आना था मेरे और मिठाइयों के बीच में। बड़े मलिक, आप जमींदारी की वसूली करने गए थे ना, तो आपके पीछे रतनलाल बाबू आए थे। उनके बेटे प्रदीप की शादी है ना। प्रदीप की? प्रदीप तो वही ना जो बटुक के साथ उसकी कक्षा में पढ़ता है। 11 साल का होगा ना? जी बड़े मालिक, 11 साल के दूल्हे राजा और 5 साल की दुल्हन। सही है, बच्चों के लिए ये सब निर्णय शुरुआत में ही ले लेना चाहिए, नहीं तो ना जाने क्या क्या भुगतना पड़े हमारी तरह। आपको सब परिवार न्योता दिया है बड़े मालिक। अनिरुद्ध बाबू और छोटी मालकिन 9 वर वधु हैं तो उन्हें तो खास बुलाया है। पर शादी के घर में तो सब औरतें एक जगह सोती हैं और हम बहू को वहां उनके साथ अकेले सोने नहीं दे सकते। अगर उनके सामने बिस्तर गीला कर दिया नींद में तो विवाह की अग्नि में खानदान का मान सम्मान जलकर खाक हो जाएगा। सोने से पहले किसी भी बहाने से घर वापस बुलवा लेना होगा हमें बहू को। अनिरुद्ध बाबू सुनिए तो। अनिरुद्ध बाबू देखिए। क्या क्या सुनना है सौरभ? तुम जानते हो ना सौरभ, कल गांव के सारे मुखिया आए थे मुझसे बात करने। जब मैंने उनसे औरतों के लिए पब्लिक टॉयलेट मतलब गुसल खाने की बात की, मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। तुम बताओ सौरभ, इसमें हंसने वाली बात थी क्या? कोई दोष उनका नहीं है। कोई भी नई बात, कोई सोच जो परिवर्तन लाए, वो इन लोगों के समझ में नहीं आती जल्दी से। सौरभ, अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आती तो हमें उन्हें इस बात को समझाना होगा। कोई समस्या है क्या बड़े मालिक? अरे रॉय चौधरी हैं हम, समस्या क्या होगी? तैयारी करो, हम सबके साथ जाएंगे शादी में। जाएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएंगे, मोटे गाड़ी में भी बैठूंगी मैं तो। बटुक, रो क्यों रहे हो? मारा किसी ने विद्यालय में? अच्छा हुआ किसी ने मारा इसे, परेशान करता होगा उसे भी। जमींदार के बेटे को कोई मार सकता है क्या? वही तो, पर फिर रो क्यों रहे? विवाह हो रहा है मेरे दोस्त प्रदीप का, आज स्कूल से उसे छुट्टी भी ले ली। अब उसकी पत्नी आएगी तो वो मेरे साथ खेलेगा या उसके साथ? लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं। ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। सौरभ, हम नौजवानों को ये बीड़ा उठाना होगा। करना क्या है, बस 5 औरतों से हामी भरवानी है सार्वजनिक गुसल खाने के लिए, फिर सिटी काउंसिल की परमिशन मिल जाएगी। मुश्किल है क्या ये सब? लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों? क्यों औरतों को उनका अधिकार ना मिले? भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह, नींद तो आती है लड़कों को लड़कियों की तरह, बल्कि ज्यादा ही आती है। दर्द भी तो दोनों को एक जैसा ही होता है। आंखें भी लड़कों और लड़कियों की दो ही होती हैं। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? बस बात यही है कि मैं 7-8 साल से लंदन में था, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ अपनों से नाता टूट सा गया है। तुम साथ रहोगे तो सबको लगेगा कि शायद कोई अपना बोल रहा है, मान जाएं शायद सब। तो मेरी मदद करोगे ना सौरभ? अनिरुद्ध बाबू, आप मेरे मालिक हो। फिर से मालिक सौरभ, कितनी बार बताया तुम्हें हम बचपन के दोस्त हैं।
भूल गए क्या बचपन में कैसे साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में खेला करते थे? तो अब से याद रखना, हम पहले दोस्त हैं, बाकी सब बाद में। अच्छा, मुझे गुसल खाना बनवाने में देरी नहीं करनी, तो बताओ कब मिलवा रहे हो मुझे गाँव की औरतों से? जल्दी जल्दी चलेंगे। ये हुई ना बात। किस प्रकार का बेतुका प्रश्न है ये? हर चीज में कुतर्क ही करना है तुम्हें। अपना छोटा सा दिमाग ये बेकार के सवाल पूछने की बजाय अपनी समस्या में क्यों नहीं लगाती? जो दिया है वो पहना है ना। मुंशी जी आप जाइए, जब जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। जी मान। अरे सुनो, जुबान में तर्क और पांव में चक्र, इस लड़की पे नियंत्रण करना होगा। मुंशी जी आपको भी नहीं होता है ना शादी में जाने का? वो छोटा सा डिब्बा आपने जो बगल में रखा है ना, उससे पता चला मुझे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब शादी में जमकर नाचूंगी मैं, क्योंकि संपूर्णा दीदी और जमाई बाबू भी तो आएंगे ना वहाँ। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे सपरिवार न्योता नहीं है, केवल दो लोगों को ही न्योता दिया है उन्होंने। हाँ तो संपूर्णा जीजी और जमाई बाबू दो ही तो हुए। लेकिन छोटी मालकिन, शादी में तो घर के बड़े लोग जाते हैं ना। कितनी सारी बातें करनी है मुझे संपूर्णा दीदी से। जब से नदी पे नहाने जाना बंद हुआ है, मिली भी नहीं हूँ उनसे। मुंशी काका, इतनी सी बात नहीं मानेंगे अपनी छोटी मालकिन की आप? जमाई बाबू तो सब मानते हैं पति बाबू की बात। कोई बात नहीं, छोटी हूँ ना मैं, कौन सुनेगा मेरी? नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा ना कहिए। आप जैसा चाहती हैं ना, वैसा ही होगा। शोती? शोती? तो आप संपूर्णा दीदी और जमाई बाबू को भेज दीजिएगा हवेली में। पति बाबू से कहकर एक साथ शादी में जाएंगे, हम गाते हुए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। जी छोटी मालकिन। चल बंदिता, बेटी भी तो जमानी है शादी में जाने के लिए, सब सामान तैयार रखना चाहिए ना मुझे, बिस्तरा बाबू के आने से पहले। शादी में हम नहीं, सौरभ और संपूर्णा बहू जाएंगे। लेकिन शादी में बड़ों को जाना चाहिए, बच्चे? समझ लो ये हुकुम है। किसका? छोटी मालकिन का, और मैं इनकार नहीं कर पाया। जानती हूँ कौन आया है, मेरी परी दीदी आई है ना। तुम्हारी आंखों पर तो कपड़ा था, तो कैसे जाना कि मैं आई हूँ? आपकी खुशबू से जाना। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आपसे, ऐसा लग रहा है जैसे बगीचे के सारे गुलाब छिड़क लिया हो खुद पर आपने। अनिरुद्ध को जो पसंद है ये खुशबू, और जो उसे पसंद है वो मुझे पसंद। परी दीदी, अपनी पसंद की साड़ी निकाल दोगे आप मेरे लिए? साड़ी क्यों, कहीं जा रही हो तुम? हाँ, इसीलिए तो इतनी खुशी में। अनिरुद्ध मान गया तुम्हें अपनी माँ के पास भेजने के लिए, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। इसलिए नहीं खुश हूँ मैं। तो आज शादी में जाने का न्योता आया है, बट्टू के दोस्त की शादी है, आपको भी बुलाया है। हाँ शक्ति, फिर तो खूब आनंद आएगा, कितना खुश होते हैं ना सब शादियों में जाकर। लेकिन आपको पता है परी दीदी,
अपनी शादी का कुछ याद नहीं है मुझे। कुछ भी हल्दी लगी थी वही याद है, पर अपनी शादी का कुछ याद क्यों नहीं तुम्हें? पता नहीं, दुल्हन की तरह सजी हुई थी मैं, नई साड़ी थी और नए गहने थे, पर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और रीत तो थी, कुछ नहीं खाया था मैंने सुबह से। फिर मामी खीर लेकर आई, खीर खाकर न जाने कैसे गहरी नींद आ गई थी मुझे। जब आँख खुली तब राक्षस बाबू मेरे सामने थे। आप कौन हैं? मेरे होने वाले पति क्या? तुम भूल गई, पर मैं नहीं भूल सकती बोंदिता, कि तुम्हारी वजह से सबसे हसीन दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बन गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। आंखों में आंखें डाल, अंग्रेजी में आई लव यू कहेगा मेरा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए, विवाह कर लिया उन्होंने। आप ठीक हो ना परी दीदी? हाँ, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हारे कारण ही तो है। मेरा मतलब है तुम्हारे पास तुम्हारी शादी की कोई यादें नहीं है, ये बात सुनकर मेरी आंखों में पानी नहीं आएगा? आज बटुक के दोस्त की शादी में तुम खूब आनंद लेना, खूब खाना, खूब मजे करना, जो मन में आए वो करना। हुँ? कितनी अच्छी है आप परी दीदी, पर क्या? दिल में थोड़ा डर है, वहां रात रुकना होगा ना, और किसी को पता चल गया मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या की बात तो। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं आ रही हूं ना तुम्हारे साथ विवाह में, मैं सब संभालूंगी। शक्ति, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल देती हूँ। ऐसा संभालूंगी कि सबको पता चल जाएगा तुम्हारी बिस्तर गीला करने की आदत, फिर जो वो हंसेंगे तुम पर और त्रिलोचन काका पर, रॉय चौधरियों की तो नाखी कट जाएगी, और उसके बाद तुम्हारे काका ससुर तुम्हें विदा कर देंगे तुम्हारे गांव। फिर अनिरुद्ध वो होगा मेरा, सिर्फ मेरा, हमेशा के लिए। ध्यान है ना बोंदिता, पानी कितना पीना है? एक एक ग्लास 8 बार और शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, समझी? मुझे तो ध्यान है, पर क्या आपको ध्यान है कि शादी में जाना है हमें? एक कठिन प्रश्न बैरिस्टर बाबू के लिए, बताओ तो जरा हम में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रही है? बताओ, ये भला कोई मुश्किल प्रश्न है? इसका उत्तर तो मैं ही दे देती हूँ। सुंदर मैं, नहीं आप लग रही हो परी दीदी। आपसे सुंदर कोई है दूर तक भला?
अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं परी दीदी से शादी करती। क्या हुआ? ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो मेरी। अच्छा सुनो, विवाह का न्योता आया, मना नहीं कर सकते, और वो बाबा ने कहा कि वो नहीं जा सकते तो मुझे जाना होगा। तो मैं आपके कपड़े तय कर दूं? हाँ, और हाँ, साड़ी और गहने भी रख देना। मतलब? मतलब ये कि विवाह में तुम भी चल रही हो मेरे साथ, और तुम्हें पता है छोटी मालकिन भी आ रही है, तुम अपनी बहन से भी मिल लोगी। क्या बोंदिता आ रही है? कितने दिन बाद मिलूंगी मैं उसे, कितने मजे करते थे हम। वो माफ करना, बहुत दिन बाद मिलूंगी ना मैं अपनी बहन से, तो बस खुश हो गई थी। देखो, माना कि विवाह से पहले तुम छोटी मालकिन के मामा की बेटी थी, उनकी बहन थी, मतलब अभी भी हो, लेकिन अब वो हमारी मालकिन भी है, तो समझ रही हो ना तुम? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ मेरी बोंदिता को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। ठीक है, अब शादी में जाने के लिए तैयार होंगे पति बाबू? हाँ। वैसे शादी है किसकी बोंदिता? बट्टू के दोस्त की शादी है, और पता है आपको, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। तुम इतनी छोटी दुल्हन? हाँ, 5 साल की है। जब वो यहाँ आएगी खेलने तो बड़ी बहू कहेगी मुझे, है ना पति बाबू? पटुक का दोस्त मतलब दूल्हा 11 साल का और दुल्हन 5 साल की? हाँ। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता, गलत है ये बाल विवाह, मैं नहीं होने दूंगा बाल विवाह। पर क्यों पति बाबू, विवाह होना तो अच्छा होता है, कितना मजा आता है विवाह की दावत में, हर बार जिसमें सबको खुशी मिलती है, आनंद आता है, उससे गुस्सा क्यों जाते हो आप? अब इन्हें आप ही समझाओ ना परी दीदी। हाँ निरु, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो, छोटी उम्र में विवाह करना तो हमारे रीति रिवाजों का हिस्सा है, सदियों से चलती आ रही है, बाल विवाह पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। जाओ इंडिया में, वुमन की रक्षक बनो, किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। किसी बदलाव के लिए आया हूँ मैं, किसी बदलाव के लिए। पता नहीं अब क्या करने वाले हैं राक्षस बाबू।